सुविधाओं का संसाधन उपलब्ध कराए। और एक परंपरा है भारतीय जनता पार्टी में, हमारे यहाँ जो भी कार्यकर्ता या जो भी हमारा नेता किसी काम को हाथ में लेता है तो उस काम को बढ़ाने के लिए सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, नीचे के सारे कार्यकर्ता जुट जाते हैं। एक बहुत ही सामंजस्य का भाव लोगों में रहता है, एक ठन भी मजबूत हुआ। यहाँ पर एक लो चला की नीति पर कोई भी नहीं चलता, यहाँ पर सामूहिक निर्णय होता है, यहाँ पर सामूहिक चिंतन होता है, यहाँ पर सामूहिक कार्य होता है। तो साथियों, ऐसे हमारे यशस्वी नेतृत्वकर्ता हमारे बीच में है, यहाँ पर उपस्थित है, हम सभी के लिए बड़े गर्व का विषय है। और आप लोगों के कार्यों से हम सभी को बहुत ही अपना जी जान लगा करके अपनी पार्टी को कुछ देने का सोचना चाहिए कि हम पार्टी को क्या दे सकते हैं, हम अपने समाज को क्या दे सकते हैं, हम इस हमारा हमारे यहाँ आने का क्या मतलब है। हमने अगर धरती पर जन्म लिया है तो क्या हम देने की स्थिति में हैं क्या कुछ, कि हम खाली लेने के लिए आए हैं। साथियों, यही भाव हमारा संगठन हमको बताता है कि केवल आप अपने लिए नहीं हैं, आप समाज के लिए हैं, आप सेवा भाव के लिए हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से दिन रात बिना रुके, बिना थके हमारा नेतृत्व कार्य कर रहा है। और साथियों, उसी का रिजल्ट है कि आज प्रदेश की हालत इतनी अच्छी हो रही है, दिनों दिन चर्चा हो रही है उसकी। उससे हमारे विपक्षी परेशान है क्योंकि उन्होंने किया तो कुछ नहीं। वैसे भी लोगों का स्वभाव होता है, जो काम करता है उसको समय नहीं होता शिकायत करने का, और जो शिकायत करता है उसके पास समय नहीं है काम करने का, क्योंकि उसका सारा समय तो शिकायत करने में चला जाता है। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई ऐसा वो नहीं सुना होगा कि उन्होंने बहुत किसी को कहा होगा कि बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दिया, वो केवल अपना निकलते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो कुछ ही क्षण में हम लोगों के बीच में हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी भी उपस्थित होने वाले हैं। और यह लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम आज संपन्न होगा। हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री माननीय मोहसिन रजा जी भी उपस्थित हो चुके हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में इनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह जिंदाबाद। हाथ सबके दोनों नहीं उठ रहे भैया, आप लोग दोनों हाथ उठा करके नारा लगाएंगे तभी हमको लगेगा आप बहुत उत्साह से यहां पर बैठे हैं। केवल इसलिए नहीं आए कि कार्यक्रम में जाना है, पूरा आप मन तन से यहां पर उपस्थित हैं, इसका प्रमाण आपको दोनों हाथ उठा करके देना है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे, राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी सारे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिंदाबाद। साथियों, आज हम लखनऊ वासियों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि मैं इसकी चर्चा आपसे पहले भी कर चुका हूं, यह जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है ऐसे ही लोगों को इस तरह के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं कि आज हम लोग जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, बहुत ही स्वच्छंद वातावरण में आराम से सांस लेकर के अपने कार्यों को गति प्रदान कर रहे हैं। तो यह इस पूरे प्रदेश पर प्रभु की कृपा है कि ऐसे कर्मठी नेतृत्व के लोग हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। ये जितने लोग आगे आ रहे हैं इनसे आग्रह है, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। अमित समझी जी, इनको पीछे बैठा दीजिए, बीच में कोई खड़ा नहीं रहेगा। तो साथियों,
मैं आपसे कह रहा था कि ऐसे निस्वार्थ निष्काम भाव से कार्य करने वाले यदि नेता कार्य करता है तो वह केवल एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी नींव ही इस आधार पर पड़ी है कि हमारा कार्यकर्ता इस समाज को मैं योगदान क्या कर सकता है, हमारा कार्यकर्ता किस रूप में उसकी भूमिका होनी चाहिए, ये हमारे नेता उसको बार बार समझाते हैं, उसका बोध कराते हैं और उसका लगातार धीरे धीरे वो पूरे अपने आचार विचार में उस चीज को उतारता है। और उसके बाद आपने देखा होगा हमारी पार्टी को मजबूत करने में हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी का, ऐसे महान लोगों का जो योगदान है वो धीरे धीरे जिस प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी प्रकार उन लोगों का योगदान रहा। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सरकार बनेगी और इस तरीके से हमारा तंत्र सफल होगा, लेकिन उनका जो विचार था वो बहुत गहरा था, उनके अंदर एक आत्मविश्वास था। यदि एक कहावत है कि यदि हम झूठ बोलते हैं किसी से तो हमको बार बार सोचना पड़ता कि हमने कहा क्या था इससे, यदि हम सही बोलते हैं तो हमको सोचना नहीं पड़ता साथियों कभी कि हमने बोला क्या था, क्योंकि हमने सही बोला। तो मैं समझता हूं कि बड़ी पारदर्शिता से जिस प्रकार से प्रशासन और शासन हमारा कार्य कर रहा है, मैं समझता हूं आने वाले समय में हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह प्रदेश बहुत तीव्र गति से और भी विकास की यात्रा को संपन्न करेगा। और मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने बहुत ही व्यस्तम समय में से समय निकाल करके आज इस लखनऊ महानगर की जनता के बीच में आने का कष्ट किया। और हम सभी को अभी उनका आशीर्वचन भी मिलेगा, यहाँ पर उनके द्वारा लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। और अब मैं आज के इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए अपनी संचालिका महोदया को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और आगे का संचालन प्रारंभ करें। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 9 विभागों की 180 परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के सुअवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तालियां पूरे पंडाल से उठे तब तो कोई बात है। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ये उत्साह, ये जोश, ये उमंग हम सब में भरने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश हम गौरव के साथ कह सकते हैं अपना यूपी है नंबर वन। जिस तरह से देश बदल रहा है माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जिस तरह देश बदल रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, ठीक उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरी प्रतिबद्धता पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ उत्तर प्रदेश की नई पहचान दे रहे हैं।